वेट लॉस के लिए मैंने मोर देन 100 वीडियो पोस्ट किए होंगे, फिर भी आप लोग बताते रहते हो कि मेरी वेट लॉस हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है। आप सबसे पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब समय पे सोना, अच्छी नींद लेना, अच्छा खाना खाना, गंदी बात नहीं करना, गंदी सोच नहीं रखना, ये सब आपको करना होगा। ओके, आप मन से प्रसन्न रहोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक रहेगा। मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक होने की वजह से आपके बॉडी में एक्सेस फैट नहीं बनेगी। ओके, तो अभी इसमें मतलब रेगुलरिटी क्या करें, मतलब ये हेल्दी डाइट या हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिए। आपने देखा होगा, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो, अगर कोई मुझे पहले से ही जानता है, जब मैं पुणे में रहती थी तब भी से अभी तक हमें मतलब लगभग मुझे जो भी सोशल मीडिया में पहचानते हैं, 15 साल हो गए लोगों को मुझे देखते हुए, हमें 15 साल तक हमने ना तो हमने 1 किलो बढ़ने दिया है ना तो 1 किलो कम होने दिया है। कि हम कैसे करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो भी हम खाते हैं या लगाते हैं वो सब चीज़ें में ध्यान देना होगा। और जो भी हमारी सोच है, जब हम बात करते हैं तो आपको हंसा हंसा के बात करते हैं, क्योंकि हम खुद हंसते हैं तो आपको हंसाने अपने आप हो जाता है। अगर मैं बहुत सीरियस रहूँगी तो मैं सीरियस ही वीडियो बनाऊँगी ना। इंसान जैसे मन से सोचता है वैसे दिखावा भी, मतलब नाटक हमेशा नहीं कर सकता कोई भी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जल्दी सुबह उठना होगा। जिसको भी वजन बढ़ता है उनको जल्दी सुबह उठ लेना है। सुबह जल्दी उठ के अपना नित्य क्रिया ख़त्म करके आपको नाश्ता कर लेना है। ओके, और नाश्ते में क्या करना चाहिए, जब भी सुबह नाश्ता करते हो ना आप, जो भी चीज़ रॉ मटेरियल है, रॉ मतलब जो भी मतलब आपको पकाना नहीं है ना उसको उबालना है, कच्चा जो खा सकते हो, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स जूस हो गए, कुछ सैलेड हो गए, स्प्राउट्स हो गए, मतलब अंकुरित भोजन जो है इनका सेवन करिए नाश्ते में। ओके, और दोपहर का जो खाना है आपका, जितना वजन है उतना मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, उतना आपको सैलेड खाना है। सैलेड हर दिन बदलनी चाहिए, ये हर दिन अलग अलग सैलेड होना चाहिए, अलग अलग रंगी बिरंगी सैलेड होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको जो भी बॉडी में विटामिन्स मिनरल की कमी होती है वो उसको पूर्ति होती है, साथ में आप एनर्जेटिक फील करोगे जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होगा। आप जो अभी बोलोगे कि आप आपका वजन के 5 गुना तो आपने सैलेड बोला, फिर खाना खाने है कि नहीं, उसके बाद आप खाना खा सकते हो, तुरंत बाद ही खाना खा सकते हो, आप जितना खा सकते हो खा सकते हो। ओके, और रात का खाना जो है ना, हो सके तो सूर्यास्त से पहले खा लीजिए, अगर नहीं होता तो 7, लास्ट टू लास्ट 8 बजे तक करिए, और उसके पहले ही खाना खा लेना है। उसके अभी जब भी आप रात का खाना खाते हो, सुपाचू, सुपाचू मतलब यह होता है लिक्विडी होता है, सुपाचू मतलब इजीली पचने वाला। अब क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये जूस तो बहुत जल्दी पच जाता है लेकिन आप रात को मत खाओ बोलते हो, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ें आपको वात और कफ सृजन कर सकते हैं जिसकी वजह से दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रात के टाइम पे कुछ चीज़ें नहीं खाना चाहिए, हमेशा मैं वीडियो में बोलती रहती हूँ। लेकिन क्या करते हैं लोग, नहीं इसमें तो कैलोरी कम है तो रात को खाया तो चलेगा, तो हम खाते हैं तो वो अपना बॉडी में दूसरा ही रिएक्शन करता है जिसकी वजह से हमारी वेट लॉस होती ही नहीं है। ओके, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो रात को आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि मूंग की खिचड़ी हो गई, ओके, पतला वाला खिचड़ी हो गया, सूप हो गया, कुछ ऐसे चीज़ें खाना चाहिए। अगर इसमें मतलब क्या होता है, कभी कभी रात को भूख लगती है, तो अगर आप सोने से पहले 1 गिलास दूध में 2 चुटकी हल्दी डाल के रेगुलरली पीते हो तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। और रात का खाना होने के बाद आपको मतलब कम से कम 20-25 मिनट के बाद कम से कम आपको 1000 स्टेप चलना चाहिए।